कपड़े की दुकान में खरीदारी करने गई नाबालिग छात्रा के साथ सेल्समैन द्वारा छेड़खानी किए जाने की घटना सीतापड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत उजागर हुई है। लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 29 मई सोमवार को लकड़गंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत रहने वाले 16 वर्षीय नाबालिग छात्र अपने पिता के साथ सीतामढ़ी थाना अंतर्गत आने वाले धर्मपेट परिसर में एक कपड़े के कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग के लिए गई थी। उस दौरान आरोपी सेल्समैन टीवी टावर सेमिनरी हिल्स निवासी गजानन दांडिकर उम्र 33 वर्ष ने छात्रा को गलत तरीके से छूकर उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता के पिता की शिकायत पर सीतामढ़ी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। यामध्ये एक अल्पवयीन मुलगी आहे, ती क्लासेससाठी गेली होती। क्लासेसच्या बाहेर उभा असताना यातील जो आरोपी आहे, आरोपी तिथल्याच एका दुकानामध्ये सेल्समन म्हणून काम करतो आणि त्यांनी रस्त्यावरनं येत असताना मुलीला स्पर्श करून काही लज्जास्पद घटना केलेली आहे। यावरून त्या मुलीने तिच्या पालकांना याबाबतीत सांगितले, त्यानंतर त्या पालकांनी पोलीस स्टेशनला येऊन त्याबाबतीत तक्रार दाखल केली। याबाबतीत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीस अटक करण्यात आलेली आहे। आरोपीचं नाव गजानन दांडेकर असं त्या आरोपीचं नाव आहे। तेथील एका कपड्याच्या दुकानामध्ये तो सेल्समन म्हणून काम करत आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।